हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में सर्वनाम चैप्टर, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, इससे रिलेटेड, सर्वनाम से रिलेटेड कुछ प्रश्न का उत्तर आपको हम सिखाएंगे। तो बच्चों, केवल हम आंसर ही नहीं बताएंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपको पूरा आंसर को भी हम समझा देंगे, ताकि मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको ऐसा हम समझाएं कि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप जरूर से ज़रूर सकिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन अगर आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो को देखिएगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप सर्वनाम चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आप ज़रूर से ज़रूर इसको बता पाएंगे, आप कर पाएंगे आसानी से। तो बच्चों, सर्वनाम चैप्टर को भी मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर इस चैप्टर को भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए, सही विकल्प चुनें। यहाँ पर जो सही होगा उस आंसर में आपको उस आंसर को लिखना है। तो पहला वाला देखिए क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सर्वनाम और अन्य पुरुष। यहाँ पर एक नंबर का आंसर होगा, यहाँ पर 3 नंबर, सर्वनाम। सर्वनाम, क्योंकि बच्चों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष इसलिए नहीं होगा क्योंकि उत्तम पुरुष में बोलने वाले या लिखने वाले के लिए कहा जाता है, यानी जब हम अपने बारे में मैं, हम, हमारा, मेरा, ये सब शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है, तुम दोनों, तुम सब, आप सब, यानी मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। और अन्य पुरुष में दूसरे के विषय में कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को बच्चों क्या कहते हैं, सर्वनाम। इसलिए पहला वाला का आंसर होगा 3 नंबर, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहलाते हैं। जब बच्चों यहाँ रहेगा प्रश्न पूछने के लिए, ये प्रश्नवाचक रहेगा, तो आप यहाँ पर लिखिएगा प्रश्नवाचक। यहाँ पर निजवाचक नहीं होगा क्योंकि निजवाचक में स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चयता का बोध कराता है, जैसे या, वा आदि। संबंधवाचक में जब दो वाक्य को संबंध स्थापित करता है, दो उपवाक्य को जो जुड़ता है वो संबंधवाचक होता है, इसलिए यहाँ पर होगा प्रश्नवाचक। तो बच्चों ये प्रश्न देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्न पूछने के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग होता है वो होता है प्रश्नवाचक, यानी 2 नंबर का 2nd नंबर आंसर होगा प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 3rd नंबर, मैंने अपने कपड़े खुद धोए वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खुद क्या लिखा है, यहाँ पर वर्ड क्या है, शब्द खुद, यानी खुद का मतलब नीच। यहाँ पर 3 नंबर का आंसर होगा नीच वाचक सर्वनाम, क्योंकि खुद, स्वयं, ये सब नीच वाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है, इसलिए 3rd नंबर का, 3 नंबर का आंसर होगा नीच वाचक। तो चलिए और कुछ प्रश्न आपको हम सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए, यह साइकिल मेरी है वाक्य किस सर्वनाम से संबंधित है। क्वेश्चन को समझिए, यह साइकिल मेरी है,
यानी यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है। ये कंफर्म बोला जा रहा कि यह साइकिल मेरी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, यानी निश्चय का बोध हो रहा है। इसलिए ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर का आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम बोलेंगे कि यह कलम मेरी है, यानी हम कंफर्म जानते हैं कि यह कलम मेरी ही है, इसलिए जहाँ पर यह वह ये वे ये सब रहेगा वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मोहन का घर है, हम कंफर्म होके बोल रहे हैं कि वह मोहन का घर है, ये भी क्या होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हम निश्चयता का बोध करते हैं। निश्चय का बोध होता है वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी बच्चों आप यह वह ये वे ये सब देख के ही उदाहरण में समझ लेंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट चलिए हम पांच नंबर में देखते हैं, कोई किसी कुछ आदि शब्द किस सर्वनाम के भेद के उदाहरण है, यानी कोई किसी कुछ ये सब कौन सा सर्वनाम में लगता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये क्या होगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। प्रश्न तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रश्न नहीं पूछा गया, निश्चयता का बोध नहीं करेगा, अभी जस्ट आपको हम सिखाएं। जहाँ पर निश्चितता का बोध होता है, निश्चय का बोध होता है, जैसे या वा उसमें होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ये निश्चयवाचक भी नहीं है और संबंधवाचक भी नहीं है, क्योंकि ये कोई भी वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, दोनों वाक्य में संबंध का कोई भी स्थापित यहाँ नहीं हो रहा है, यानी ये होगा अनिश्चयवाचक, इसमें निश्चयता का बोध नहीं हो रहा है। जैसे तुम्हें कोई बुला रहा है, हम नहीं जानते कि आपको कौन बुला रहा है, हम बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई बुला रहा है, दूध में कुछ गिरा है, हम नहीं जानते कि क्या गिरा है, इसलिए ये कोई किसी कुछ ये सब क्या होता है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर में, सर्वनाम किसके स्थान पर आता है बच्चों, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्रिया के, विशेषण के, संज्ञा के, ना अन्य के, बच्चों यहाँ पर होगा संज्ञा के, यानी सर्वनाम याद रखिएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवेंथ नंबर में, जो खेलेगा वह इनाम लेगा, जो खेलेगा वह इनाम लेगा, यहाँ जो के नीचे रेखांकित है और वह के नीचे, तो रेखांकित सर्वनाम का नाम है, रेखांकित सर्वनाम का नाम है, यानी ये कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, जब कोई वाक्य में कोई सर्वनाम दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द के साथ संबंध को स्थापित करता है, यानी इस वाक्य में जो वह के साथ संबंध को स्थापित किया है, तब ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो खेलेगा वह इनाम लेगा, जो और वो ये दोनों क्या किया, ये सर्वनाम शब्द के साथ संबंध को स्थापित किया है, इसलिए ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसी प्रकार से बच्चों आप जब मिलता जुलता शब्द देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जैसे करोगे वैसे पाओगे, जैसे वैसे, इस प्रकार का शब्द जो होता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए एट नंबर में, वह खेल रहा है रेखांकित सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों अभी तक तो आपने सीख ही लिए हैं कि संबंधवाचक में जब कोई भी वाक्य में प्रयोग किए गए एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ संबंध को स्थापित करेगा तभी वो संबंध होगा। तो यहाँ पर कोई भी दो सर्वनाम का संबंध नहीं हो रहा है, निश्चयवाचक भी नहीं है और अनिश्चयवाचक भी नहीं है। वह खेल रहा है जब दूसरे के बारे में बोला जाता है तो ये हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का ये अन्य पुरुष है। नेक्स्ट 9th नंबर में देखिए, बाहर कौन खड़ा है। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ क्या पूछा जा रहा, बाहर कौन खड़ा है। रेखांकित सर्वनाम का भेद है, यहाँ ऑप्शन दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आप यहाँ आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सवाल किया जा रहा है, बाहर कौन खड़ा है, कौन, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। और दूसरा बच्चों एकदम इजी ट्रिक है इसको समझने का कि लास्ट में यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य रहेगा, प्रश्नवाचक में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य रहेगा जो इसमें है। इसलिए 9th नंबर का आंसर होगा 4th नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है बाहर कौन खड़ा है। तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन को देखिए, थैले में कुछ है और कुछ के नीचे रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन यहाँ पर किया हुआ है। रेखांकित सर्वनाम का भेद है, कुछ कुछ किस में होता है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर कुछ, कोई, किसी, ये सब किस में आता है, जिसमें डाउट रहता है, निश्चयता का बोध नहीं होता है, वो क्या होता है बच्चों, अनिश्चयवाचक, यानी 10th नंबर का आंसर होगा अनिश्चयवाचक। जब भी बच्चों कोई भी वाक्य में आपको कुछ, कोई, किसी, तुम्हें किसी ने बुला रहा है, तुम्हें कोई बुला रहे हैं, तो ये जो दूध में कुछ गिरा है, पानी में कुछ गिरा है, ये सब जब वाक्य आएगा तो आप उसमें आंसर क्या लिखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसमें डाउट रहता है, हम कन्फर्म नहीं है क्या है, निश्चयता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी 10th का 2nd नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट 11th नंबर देखिए क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद है, यहाँ ऑप्शन है 5, 6, 4 और 3। तो बच्चों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 11th नंबर का आंसर होगा ये 2nd का 6। 12th नंबर का क्वेश्चन को देखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के आपसी संबंध को जोड़ते हैं, यहाँ पर आपसी संबंध को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं, मतलब कौन सा सर्वनाम वो कहलाते हैं। ऑप्शन दिया है निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक। तो जब भी आपस में संबंध का बोध कराएगा, ये संबंध वाट लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर 12th नंबर का आंसर होगा संबंधवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 13 नंबर में, निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, निजवाचक सर्वनाम शब्दों का किस में प्रयोग होता है, ऑप्शन देखिए किसी अन्य के लिए, 2nd में है निश्चितता के लिए, 3rd में है स्वयं के लिए और 4th में है संबंध दर्शाने के लिए। तो निजवाचक, निज का मतलब क्या होता है बच्चों, स्वयं, खुद, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वयं के लिए। निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है स्वयं के लिए, यानी 13 का आंसर होगा ये 3rd नंबर स्वयं के लिए, निज का प्रयोग होता है स्वयं के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मैं आप चला जाऊंगा, आप के नीचे यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। रेखांकित सर्वनाम के भेद बताइए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, नीच वाचक और अन्य पुरुष। इसका मतलब बच्चों क्या हो रहा है, मैं आप चला जाऊंगा मतलब मैं खुद चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, उसी को बोला गया है यहाँ पर कि मैं आप चला जाऊंगा, यानी मैं स्वयं खुद चला जाऊंगा। तो बच्चों आपको क्या बताए हैं, जब आप स्वयं खुद होगा तो यहाँ होगा नीच वाचक सर्वनाम, यानी 14 नंबर का आंसर होगा नीच वाचक सर्वनाम। यहाँ पर स्वयं और आप के लिए हो जाएगा नीच वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, रेखांकित सर्वनाम के भेद बताइए। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है जैसा और वैसा के लिए, यहाँ पर जैसा और यहाँ वैसा। तो बच्चों आपको क्या बोले थे, जब कोई वाक्य में एक सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराता है तो वो क्या होता है, संबंध वाचक। तो देखिए ये और ये, जैसा और वैसा दोनों क्या है, संबंध को स्थापित करा रहा है सर्वनाम का, इसलिए ये हो जाएगा संबंध वाचक सर्वनाम। यानी 15 का थर्ड नंबर आंसर होगा संबंध वाचक सर्वनाम। चलिए और कुछ दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उसका भेद लिखिए। यहाँ पर जो कुछ वाक्य हम लिए हैं बच्चों, करना क्या है, यहाँ से आपको सर्वनाम शब्द को छांटकर लिखना है और वो भेद मतलब सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है वो लिखना है। यहाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन में देखिए, दूध में कुछ गिरा है, यहाँ सर्वनाम क्या है, कुछ। यहाँ सर्वनाम में आप लिख दीजिए कुछ, कुछ, कोई, ये सब कौन सा सर्वनाम है बच्चों, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसका भेद में आप लिख दीजिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ये क्या है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, जो मेहनत करेगा वही पास होगा, जो और वही, जो वही, जो वही, एक सर्वनाम के साथ दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित करता है। तो बच्चों क्या सिखाए थे, संबंध वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, ये हो जाएगा संबंध वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, माँ ने स्वेटर स्वयं बुना है, स्वयं, स्वयं किसके लिए बच्चों, खुद स्वयं, यहाँ पर आप सर्वनाम में लिख दीजिए स्वयं और भेद में लिखिए नीच वाचक, नीच वाचक। जब स्वयं खुद ये सब होगा तब क्या हो जाएगा, नीच वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर में, तुम स्कूल क्यों नहीं आए, क्यों, यहाँ सवाल कर रहा है, तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तो यहाँ क्यों सर्वनाम में लिख दीजिए क्यों, और जब सवाल करता है तो क्या होता है बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहाँ लिख दीजिए प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मकान हमारा है, यह सर्वनाम क्या है, यह, यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, यानी ये होगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, यानी कन्फर्म होके बोल रहा है कि यह मकान हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर में देखिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें, तुम्हें, तुम, तुम्हारा, ये सब क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष, यहाँ लिखिए पुरुषवाचक
और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए मध्यम पुरुष, पुरुष वाचक का ये मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ नंबर में, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक और यहाँ ब्रैकेट में लिखिए उत्तम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष में जब खुद स्वयं बोलने वाले या लिखने वाले के लिए बोला जाता है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। वे नाच रहे हैं, एट्थ नंबर में देखिए वे नाच रहे हैं, वे यहाँ सर्वनाम में लिखिए वे पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। जब दूसरे के विषय में बोला जाता बच्चों तब क्या होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों तीन भेद होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जब बोलने वाले के लिए या लिखने के वाले के लिए कहा जाता है, मध्यम पुरुष में जब सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये सब मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, और अन्य पुरुष में जब दूसरे के विषय में कहा जाता है तो उसमें वे, वो, ये सब प्रयोग होता है। जब दूसरे के विषय में बोला जाता है तो वो अन्य पुरुष होता है। चलिए और कुछ क्वेश्चन आपको हम सिखाते हैं। अब बच्चों देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आती है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर कुछ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि शब्द हैं, उसको आपको सही करके लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मैंने तेरे को कितना समझाया, ये अशुद्ध वाक्य है तो इसको शुद्ध करने होगा मैंने तुझे कितना समझाया, मैंने तुझे कितना समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने कल दिल्ली जाना है, ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करेंगे। हमें कल दिल्ली जाना है। हमें कल दिल्ली जाना है, हमने कल दिल्ली जाना है, ऐसा नहीं होता है, यह अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करेंगे, हमें कल दिल्ली जाना है। नेक्स्ट देखिए, गीता आई और उसने कहा। गीता आई और उसने कहा। चलिए और कुछ आपको अशुद्ध वाक्य से शुद्ध करना, सर्वनाम संबंधी अशुद्ध से शुद्ध करना हम आपको सिखाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मुझको दूध पीनी है, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, इसको शुद्ध करेंगे। मुझे दूध पीनी है, ये हो गया शुद्ध वाक्य, मुझे दूध पीनी है। नेक्स्ट देखिए, तेरे को पिताजी बुला रहे हैं, ये गलत वाक्य है सर्वनाम संबंधी। तुम्हें पिताजी
बुला रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम तुम्हारा काम करो नहीं होगा, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम तुम अपना काम करो। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता है। तो बच्चों, अगर आपको ये सरनाम चैप्टर समझ में आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।